नाच बजा रहे हैं पंडित घनश्याम शर्मा रूपास से, मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे अंकल जी दिनेश चंद शर्मा जी, और आप लोगों तक इस आवाज का आगाज कर रहे हैं चित्रांकन व छायांकन के द्वारा, यानी कि ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पंडित रहता साउंड सर्विस जलूथर से। अब सुनो साहब, निवेदन है लाला ने एक देर सोचो पे जाओ बेटा, सुनिए। देखो सबसे पहले कोई काम करना चाहिए, बड़े बूढ़े कह गए सबसे पहले अपनो सुधार करो। तो देखो हम ब्राह्मण आदमी है, सबसे पहले हम अपने आप से ही चालू है रहे। कैसे? एक एक शब्द सुनना, कभी कवित के माध्यम से कितने मर्म स्पर्शी वाक्यों में प्रो कर भेज रहा है। ब्राह्मण मिट जा, ब्राह्मण मिट जा, जो कि दान से नेह करे छत्री मिट जात है कुधान के खाए ते आलस के करे ते किसान मिट जाए जैसे विधवा मिट जात है श्रृंगार के बनाए ते। और संगीत ये कोई बाजीगर को खेल थोड़ी है, सही अगर रुपया के दो बनाए देगो। सुनिए झलकी, पवन के चार था जैसे पाप मिट जाए राम नाम गुण गाए। अब तुमने प्रोग्राम जिकड़ी को करवाया हुआ, तुम कहे तो साखी सुनाऊं, तुम कहे तो तुम्हारी सुस्ती है छुड़ाऊं। साखी सुनिए, दो लाइन की साखी आ रही है, निरीक्षण और परीक्षण करियो। और साखी अगर गौर से सुनेंगे, भगवान कसम खा रहा हूं बागबारे हनुमान जी के चरणन में ऐसे समझो जैसे ओरिजिनल ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है। भैया सुनिए साहब, चिकड़ी यहां से शुरुआत होती है। अरे कर में या के टेढ़ी सी लकड़िया Thank you.
ये जिकड़ी जब जिकड़ी के हिसाब से गाई जाए फेफड़े बिलो कह जाए, पर आजकल तो धंधो उठा लियो जयकारो सिर वाली मैया को है जी। नंगे मिलन की देखो झलकी है हिंदुस्तान के लोक संगीत में। आज भी ये चीज रजिस्टर्ड कर दी है हमारे दादा दामोदर जी सिंसिनवार फौजदार सावरे वारेल में। रेडियो पर जब ऑडिशन होते तो जज महोदय पूछते कि अपने भरतपुर जिले की कोई झलकी सुनाओ। देखो एक झलकी दे रहा हूँ, दामोदरी रसिया जिसे कहते हैं, भरतपुरी रसिया से जिसे नवाजा गया है। और देखो वो झलकी क्या है, क्या लिखा मास्टर जी, करे गो पे सोई पावे गो। एक सौ रुपए का पुरस्कार है जी, दिनेश जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो कि प्यारे यहाँ को डोल ना है, हर जगह कोई डोल है। जब लालीन को नंबर आ जाए तो बाबा कुर्ता की जेब तक हिल जाए, छोरे को नंबर आ जाए जब खोपड़ी खोपड़ी हले बस खाली। कह तो कछु मलूक कम परे, हम कह कछु गायबो हल्को पर जाए, भगवान की कृपा थी। कोई बात ना है, पर तुम सुनो ए नादान, करे गो पे सोई पावे गो। अब ध्यान को जुटाइए, कथा आ रही है। देखो पहले नंबर पे तो महतनाए मैंने गाय दी,
महाराज परीक्षित ने श्रमिक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया और श्रृंगी ऋषि ने जे श्राप लगा दो कि जाका पापी ने जे काम करो काए बाय सातवें दिना तक्षक नाग काट लेगा। चारों तरफ से आवाजें उठने लगी दादाजी, चारों तरफ से चर्चा है रही, हल्ला है रहा भारी है, बे अपराध मरेगा राजा दुखी भय नर नारी है। इतनी सुन के धनवंतर ने, अब आप कहेंगे कि कथा तो महाराज परीक्षित ही चल रही जी, धनवंतर बीच में कांते बबर बैठे। धनवंतरी देवताओं के सबसे बड़े वैद्य थे, इनका काम क्या था, किसी भी इंसान को विषैले से विषैला सर्प अगर काट ले मंत्र पढ़ के फूंक मार दिया करते थे, बिल्कुल सही कर देते थे। चारों तरफ कुछ चर्चा है रही, हल्ला है रहा भारी है, बे अपराध मरेगा राजा दुखी भय नर नारी है। इतनी सुन के धनवंतर ने, इतनी सुन के धनवंतर ने बाप जिगर में टोली और बाबा यानी कंधा पे डाल रही है। चेलान को आवाज लगा रहा धनवंतर में के बेटा चेला हम चलेंगे हस्तनापुर को, हम बचाएंगे महाराज परीक्षित के प्राणन में, हम देखेंगे वह तक्षक नाग कैसो विशेलो कैसो शक्तिशाली कैसो बलवान है, क्या जवाब कर रहा है मास्टर। और चला तो गुरु के संग में चेला अब मंत्री जी आए गए दी से तुम फिर ठाड़े हो जाओ, सुनते रहो मंच पर ही आएंगे वो अतिथि हैं। अरे सुने नाग ने पतो पर गई है तक्षक नाग है क्या धनवंतर पे तैयार हो। पुरस्कार हमारे ताऊ जी अशोक मास्टर जी रंजीरगढ़ वाले दे रहे, तुम ही जाने जिकड़ी है ऐसी लग रही है, नहीं भैंस के आगे बीन बज रहा है। 100 रुपए का पुरस्कार ललित मोहन भारद्वाज जी अध्यापक जी दे रहे। सुनिए तक्षक नाग है पता चल गई धनवंतर पे तैयार होए। अरे सुनिए नाग ने बिन पराना का तो तुम भले ही दो के सिक्का ने दियो, असली पंडित सब ले लेंगे, लाली ने कोई दियो 100-100 के ने दो भैया, कोई बात ना घर की बात है। नेवली के राम सिंह बाबा दे रहे, सुनिए अरे सुने नाग ने बिन पराना 51 रुपए गुप्त दान और चैन रूप तज डारो। हरि कहे रास्ता में आ गयो देखो बिसियर तारो, हरि कहे रास्ता में आ गयो देखो बिसियर कारो। 51 रुपए हमारे दादाजी
गोपत्ता ने सा एक से एक रुपए का पुरस्कार सुरेश चंद्र जी ठेकेदार रणधीरगढ़ दे रहे। और देखो कथा के संग संग में चार लाइन आ रही है और अगर दिल को छू जाए तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिए, हेरे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे। एक सौ रुपए का पुरस्कार पंडित खाद बीज भंडार सरस तहसील बैर भरतपुर राजस्थान। भैया जी, हेरे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे राम सबई के प्यारे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। इक्यावन रुपए रामचंद्र बाबा अटारी पूरा बारे दे रहे। सुनिए, हेर एक भाई का ओ, ओ, ओ भाई मेरा एक पूंदड़ा एक भिखारी एक पूंदड़ा बना फिरे और एक बना है चोरी। एक धागा गुदड़ी में लगता हो। एक धागा गुदड़ी में लगता एक पतंग की डोरी। एक धागा गुदड़ी में लगता एक पतंग की डोरी। एक पत्थर शिव जीवन पूजता एक मूत्र की मोरी। एक पत्थर शिव जीवन पूजता एक मूत्र की मोरी। कथा का जाओ साहब, नाम सुनो धनवंतर को। छाए गए नाग पसीना में, बातें बड़ा बेदना कोई जाके ठेस बैठ गई सीना में। जाके लू परीक्षा बाकी, देखूं तो सही कैसो बेद है। जाके लू परीक्षा बाकी, मुते निबल परे के भारा और बाबा याने रूप मनुज को आदमी को भेष बना लियो। रास्ता में आएगा हाथ जोड़ के ठाड़ है गो बाबा, इन चेला चांगुरे ने लेके तुम कहाँ जा रहे? आपके जाने का कोई कारण कोई सबब कोई उद्देश्य कोई मकसद अवश्य होगा। किस प्रलोभन से कहाँ के लिए जा रहे? एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय मंत्री जी का।